तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ, तो वहीं कांग्रेस राजद के महागठबंधन के समर्थन में बिहार में हुई जबरदस्त वोटिंग। तो वहीं आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, लॉकडाउन सहित रोजगार को लेकर दागे सवाल तो मैदान छोड़ भागे मोदी। वहीं आपको बताएंगे कि विवादित कार्टून को लेकर एक बार फिर से तुर्की और फ्रांस में बड़ा तनाव, तो अब फ्रांस ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बनाई विवादित कार्टून, तो वही ईरान ने भी फ्रांस को दे दी हमले की खुली धमकी। जहां दोस्तों एक बार फिर से मुस्लिम देश और फ्रांस में तनाव बढ़ गया है, तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर दोस्तों बीजेपी को एक और तगड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कि बिहार में असुद्दीन ओवैसी पर हमले की आशंका, तो वहीं कटिहार में जनसभा को संबोधित नहीं करने पहुंचे ओवैसी, हमले की थी आशंका। जहां दोस्तों ओवैसी की जान बिहार में खतरे में, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपाइयों को झारखंड से लाठी डंडों से भगाएंगे, यहां चलेगी सिर्फ झारखंडियों की, गुजरातियों की नहीं। तो दोस्तों आपको बताएंगे अगली खबर में कि मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, बिहार की तरह ही कोरोना का मुफ्त टीका देने का प्रदेश की जनता से किया है वादा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर से भी कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो बिहार में पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ, तो वहीं राजद कांग्रेस के महागठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान का चुनाव समाप्त हो गया है। इस बीच पहले चरण में ही बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ बिहार में होता दिख रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की जनता ने इस बार बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना, और बिहार की जनता ने पहले चरण में बेरोजगारी को देखते हुए मतदान किया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में पहले चरण के मतदान में सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस राजद के समर्थन में बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है, और पहले चरण के मतदान में बिहार की जनता ने महागठबंधन का समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पहले चरण के मतदान में 36% वोटिंग कांग्रेस और राजद के महागठबंधन के पक्ष में हुई है, जिसके बाद बीजेपी और मोदी के होश उड़ गए कि बिहार में सरकार गिरना जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली तय है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की जनता ने इस बार बेरोजगारी को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा माना, और कहा है कि बिहार में नीतीश और मोदी पर भरोसा नहीं है, और तेजस्वी और राहुल पर भरोसा करते हुए बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में महागठबंधन का साथ दिया। तो इसी बीच बड़ी खबर है दोस्तों कि बिहार में पहले ही चरण में बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में ओवैसी की जान को खतरा, हमले की आशंका को देखते हुए कटिहार जनसभा को संबोधित नहीं करने पहुंचे ओवैसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जहां बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया, तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने लिए वोट मांगने के लिए रैलियां कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी भी कटिहार जिले की प्रणपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी ख्वाजा हसन के समर्थन में वोट मांगने आने वाले थे, और जनसभा का समय भी 3 बजे रखा गया था। मैदान में काफी संख्या में लोग ओवैसी को सुनने के लिए आना शुरू हो गए थे, लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही असुद्दीन ओवैसी ने इस जनसभा को कैंसिल कर दिया, और असुद्दीन ओवैसी इस जनसभा में नहीं पहुंचे, जिसके बाद आशंका जताई गई कि असुद्दीन ओवैसी की जान को बिहार में खतरा है, और हमले की आशंका को देखते हुए असुद्दीन ओवैसी ने इस जनसभा को कैंसिल किया है। जहां दोस्तों तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में असुद्दीन ओवैसी पर हमले की रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, तो वहीं रोजगार सहित लॉकडाउन को भी लेकर दागे हैं मोदी पर सवाल। जहां दोस्तों
आपको बता दें कि बिहार में जहां पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार में दो रैलियों को किया। इसी दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे और कहा था कि बिहार में गन्ने का ये इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चीनी की चाय बनाकर पीऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी मिलों को चालू कराया? आगे राहुल गांधी ने कृषि कानून का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आमतौर पर दशहरों पर रावण के पुतले देश में जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार दशहरा पर रावण नहीं नरेंद्र मोदी, अंडानी और अबानी के पुतले जलाए गए। ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि किसान मोदी की नीतियों से परेशान है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए रोजगार का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को दी जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिहार चुनाव में रोजगार और नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे लॉकडाउन का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया और बिहार सहित देश के मजदूरों को 500 किलोमीटर पैदल चलाया और बेचारों की मौत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। तो राहुल गांधी ने ये तगड़े हमले आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बनाया फ्रांस ने विवादित कार्टून, तो वहीं ईरान ने मैक्रोन को दिखाया राक्षस। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देश और फ्रांस में लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सभी मुस्लिम देशों ने फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस की मैगजीन चार्ली हेब्दो ने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का इस मैगजीन ने एक बार फिर से विवादित कार्टून बनाया है और रजब तैयब एर्दोगान को महिला का बुरखा उठाते हुए इस कार्टून में दिखाया गया है, जिसके बाद तुर्की ने फ्रांस को खुली धमकी दी है और कहा कि अगर इसने इस्लाम के खिलाफ और कोई भी साजिश की तो इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं ईरान के अखबार ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुरी तरह से रावण की तरह छापा है और बुरी तरह से इसका विरोध किया है। तो वहीं बांग्लादेश सहित पूरे दुनिया में मुस्लिम देश लगातार फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। तो एक बार फिर से विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस और मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी को एक और बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव के बीच मोदी सरकार को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल स्मृति ईरानी आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में इस समय स्मृति ईरानी जमकर रैलियों को संबोधित कर रही है। इसी दौरान आज स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद ये बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। और स्मृति ईरानी ने कहा है कि मुझसे संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट करवा लें। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन, सुशील मोदी और देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव आए थे और ये मोदी को अब चौथा झटका बिहार से लगा है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव ना कराने की कोर्ट से की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम खान ने मांग की है कि स्वार विधानसभा सीट पर योगी सरकार उपचुनाव ना कराए। जो दोस्तों, आपको बता दें कि स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम खान जीते हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया, जिसके बाद ये सीट खाली पड़ी रही है और इस पर अब योगी सरकार चुनाव कराने जा रही है। और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम
खान पहुंचे हैं और उन्होंने मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उनका नामांकन रद्द किया था वो गलत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर पूर्ण रूप से फैसला ना सुनाए तब तक स्वार विधानसभा सीट पर योगी सरकार उपचुनाव ना कराए। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करने का ऐलान कर दिया। देखते हैं कि यहाँ पर चुनाव होते हैं या नहीं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मोदी के जमीन खरीदने वाले नए भूमि कानून का कांग्रेस ने किया जबरदस्त विरोध। कहा किसी भी कीमत पर वहारियों को नहीं बसने देंगे जम्मू कश्मीर में। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दो दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में एक नया आदेश जारी किया है और ऐलान किया है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी भारत का नागरिक जमीन खरीद सकता है, वहां रह सकता है। तो अब इसी मोदी सरकार के नए भूमि कानून का विरोध कांग्रेस और पीडीपी ने किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस और पीडीपी ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में नहीं बसने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार ने पहले अनुच्छेद 370 हटाकर हमारे अधिकारों को छीना और अब वहां से हमारी जमीन को भी छीनना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐलान किया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है लेकिन उसके लोग नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी अब देखते हैं आगे इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का बिहार की तरह ही किया है मध्य प्रदेश में वादा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें भी बिहार की तर्ज पर मध्य प्रदेश की सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना टीका देने का बीजेपी ने वादा किया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव वह जीतती है तो वह राज्य में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी। वहीं अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार जिस राज्य में चुनाव है आखिरकार उन्हीं राज्य को बीजेपी मुफ्त कोरोना वैक्सीन क्यों दे रही है? क्या बाकी राज्य भारत से अलग हैं या फिर बाकी राज्य में रहने वाले लोग भारतीय नहीं है? जिसके बाद बीजेपी का भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। कहा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपाइयों को झारखंड से लाठी डंडों से करेंगे बाहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री और मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अब झारखंड झारखंडियों की चलेगी ना कि भाजपाइयों की। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव जीतने के बाद सभी भाजपाइयों को राज्य से लाठी डंडों के साथ भगाएंगे और किसी भी कीमत पर इन गुजरातियों को प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। वहीं ऐलान किया है कि झारखंड में सिर्फ झारखंडियों की चलेगी ना कि गुजरातियों की। जा दोस्तों ये बड़ा हमला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड से बीजेपी को तगड़ा झटका। सीएम रावत को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने बुधवार को ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच संबंधी उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। भाजपा के मंडल प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के बाद ये बातचीत की गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया था कि मुख्यमंत्री जो बीजेपी के उत्तराखंड के हैं उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई जांच करे। अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का बीजेपी ने फैसला किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राजद पर बोला हमला। तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजद प्रमुख तेजस्वी यादव पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग ऐसे हैं, इनका आप पुराना रिकॉर्ड देखें कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए इन लोगों के
सत्ता में आने से नौकरी देने वाली निजी कंपनियां भी राज्य से भाग जाएंगे। वहीं आगे उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में इन लोगों के आते ही जंगल राज शुरू हो जाता है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया।